वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों रुबीना, जैस्मिन और अभिनव पीछे रह गए हैं एज कंपेयर टू निकी, जान या फिर पवित्र पुनिया के? और प्लस इसके पीछे क्या है बड़ी बात, आइए मैं राहुल भोज आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्वागत है आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और आप सभी दर्शकों को बता दूं दोस्तों, तो रुबीना, अभिनव और जैस्मिन इन तीनों की पॉपुलैरिटी जो है काफी हद तक आगे है एज कंपेयर टू जान, निकी या फिर पवित्रा, या मोर इवन अगर बात करें हम राहुल के। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये टेलीविजन जगत के सबसे बड़े नाम में से एक है, रुबीना, जैस्मिन और अभिनव। अब ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से वो घर के अंदर कंटेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? आखिरकार क्यों इजाज खान ने जैस्मिन और रुबीना को रेड जोन में भेज दिया और अपने ही दोस्तों को वहां से बाहर निकाल दिया? सबसे पहले आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं दोस्तों, तो जिस हिसाब से टीआरपी दे रहे हैं जान, निकी और पवित्रा या फिर राहुल, वो लाजवाब है। पवित्रा की अगर मैं बात करूं तो हर एक दंगल में पवित्रा जो है कूद ही मार देती है और वो जो है अपने आप को हर एक उसमें फिट करने की कोशिश करती है, जैसे कि हमने काफी बार देखा है। जान की बात करें तो जान अच्छा खासा टीआरपी दे रहा है क्योंकि वो निकी के पीछे जैसे लग रहा है, या फिर जान ने जिस तरीके से जो है नेपोटिज्म वाली बात बोली थी, मतलब नेपोटिज्म की बात उसके ऊपर आई थी, वो चीज को लेकर। निकी तो डे वन से दोस्तों टीआरपी बिग बॉस को साम दाम दंड भेद की तरफ से दे रही है, वो गलत भी करती है लेकिन बोलती है कि एकदम कॉन्फिडेंटली करती है सारी चीजें। वहीं राहुल की बात करें तो राहुल तो स्टार बन ही चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस ग्रुप का, जो कि जो कि एज कंपेयर टू मतलब राहुल लोगों का कहना है कि ये लोग घर घर खेलते हैं। जैस्मिन की बात करें, जैस्मिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है लेकिन दोस्तों जैस्मिन में अभी हमें छवि नजर आ रही है रश्मि देसाई प्लस शहनाज की। वहीं अगर बात करें दोस्तों रुबीना की, तो रुबीना सिलेक्टिव मुद्दों पे आवाज उठाती है और रुबीना जो है वो टीआरपी दे रही है, लेकिन एज कंपेयर टू जो भलती भलती टीआरपीज होती है वो रुबीना नहीं दे पाती। रुबीना कहीं ना कहीं उस मामले में थोड़ी सी वीक कमजोर जान पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुबीना वीक है, प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा डिस्क्लेमर दे रहा हूं, नहीं रुबीना कमजोर नहीं है। बट जो निकी विकी ये कर रहे हैं टीआरपी के लिए, कुछ भी चिल्लम चाली शोर शराबा ये वो, तो ये टीआरपी ऐसा टाइप का रुबीना कुछ मटेरियल नहीं दे पा रही जिसके बारे में वो कल भी बोल रही थी। और वही बात करें दोस्तों हम अभिनव की, तो अभिनव इंटेलेक्चुअल है, अभिनव बहुत अच्छा प्लेयर है, टास्क में उसका अच्छा दिमाग चलता है, बिग बॉस को कल उसने एक्सपोज भी करा। बट यहां पर अगर बात आती है भलती टीआरपी की या फालतू के एक्शंस की, तो कहीं ना कहीं उस मामले में वो पीछे हो गया है। सो दोस्तों यही वजह है कि बिग बॉस के फॉर्मेट में, इनफैक्ट गौहर और रीना ने भी बोलते हैं ये गलत शो में आ गई है रुबीना को लेकर कहा था। सो यही वजह है दोस्तों कि रुबीना, जैस्मिन और अभिनव मतलब टीवी जगत का एक बड़ा नाम होने के बावजूद भी टीआरपी देने में थोड़ा सा फिसड्डी हो गए हैं। आपको क्या है लगता, आपको रुबीना, अभिनव या फिर जैस्मिन का ग्रुप ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों ये वाला ग्रुप जिसमें कि निकी है, जान है, राहुल है और पवित्रा है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। चैनल में नया हूं, आपका प्यार चाहता हूं, सो कमेंट सेक्शन में जाके सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।